हम बना रहे हैं आम का अचार। 1 किलो आम के जो छोटे छोटे पीसेस हैं, सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे, उसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, क्योंकि आम का अचार अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट से अच्छा आता है। हम इसमें मिलाएंगे रेड चिल्ली पाउडर। हम इसको मिक्स करेंगे, आम का अचार और इसमें हल्दी मिलाया है हमने, नमक मिलाया है और चटनी चिली पाउडर डाला है। अदरक का टेस्ट और अदरक का फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए अदरक इसमें ज़्यादा मिलाना चाहिए, तो अदरक का अचार टेस्टी आता है। ये पूरा मसाला मिक्स हो गया है अचार में और इसको हम 2 दिन के बाद इसको ऐसा ही रखेंगे। उसके बाद लहसुन और सरसों गरम करके ऑयल में मिक्स करके ऑयल मिलाएंगे, बाद में हमारा अचार रेडी होगा। हमारा कल का अचार जो था, अभी पूरा मसाला इसमें मिक्स हो गया है। हमने पूरा मसाला इसमें मिक्स करके रख दिया है। दो भी अचार, ये मसाले का अचार है और ये अदरक का अचार है, और हमने साइड में गरम करके ऑयल रख दिया है 1 घंटे पहले। अब ऑयल पूरी तरह से ठंडा हो गया है, हम ऑयल इसमें मिलाएंगे ताकि अच्छा है। इसमें हमने थोड़े लहसुन के छिलके भी मिक्स कर लिए हैं कि टेस्ट और स्वाद अचार का। इसमें हम पूरा ऑयल मिक्स करेंगे ताकि ऑयल मसाला पूरा मिक्स हो जाए और हमारा अचार लगातार 1 साल तक टिकता रहे और अच्छा रहे। इसमें भी मिलाएंगे मसाले का अचार है, सरसों का पाउडर का अचार है ये भी। इसको अच्छा मिक्स होने के बाद एक बॉक्स में भर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अचार बन चुका है और कितना अच्छा हो गया है। कलर भी देखो कितना अच्छा है, अदरक का अचार है और ये सरसों का अचार है, ये भी बन चुका है अच्छा। अगर आपको अचार अच्छा लगे, मुंह में अगर पानी आए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।